गाइस आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ज़ेब्रोनिक्स के 7400 प्रो 5.1 साउंड बार है और भाई ये काफी ऑसम साउंड बार है, सुनने में भी आया है और भाई मुझे पता करूंगा तब भी पता लगेगा ऑसम है कि नहीं, वो तो मैं बता ही दूंगा तुम सबको। और ये 180 वॉट्स का है, बॉक्स पे लिखा हुआ है जैसे ये देखिए भाई, और इसमें USB लगेगी, 32GB तक लगेगी मैक्स। तो अब एक काम करते हैं फटाफट अपने प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करते हैं। और यार देखो एक अच्छी बात है ज़ेब्रोनिक्स के, देखो यार बिल्कुल सही है, ज़ेब्रोनिक्स का दूसरा प्रोडक्ट है मेरे पास ये, और बिल्कुल ही नया डब्बा है। मेरे को बताया वहाँ पे कहीं नीचे गिर जाए साउंड, सही चल रहा है। तो गाइस आपको दिखा देता हूँ भाई क्या क्या मिलता है बॉक्स में। सबसे बेस्ट बात बैटरा मिलता है इसमें, वॉल माउंट के लिए मिलते हैं, वारंटी कार्ड, रिमोट जो कि काफ़ी हल्की क्वालिटी का है लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ऑक्स केबल है, वॉल माउंट से ही वाले, इनको यूज़ करके आप भाई अपनी वॉल्स पे लगा लेना चाहे TV कैबिनेट पे लगा लेना, ठीक है। और भाई हमें मिलते हैं इसके साथ ये 5.1 जो ये जिसको प्रोडक्ट बनेगा जैसे, वो है ये भाई एक्स्ट्रा सेटेलाइट्स, और काफ़ी सही दिख रही हैं सही बताऊँ तो। लेकिन यार इस पर ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग नहीं है, अगर ब्रांडिंग होती थोड़ी सी और अच्छी लगती, जैसे ज़ेब्रोनिक्स वालों का एक Z बना हुआ ना मस्त सब, तो और अच्छी लगती। तो भाई ये साउंड बार है एक बार देख लो, काफ़ी गुड लुकिंग ज़ेब्रोनिक्स बढ़िया लग रही है, काफ़ी स्लीक सा साउंड बार है, इसको नीचे होता है यार और ज़्यादा अच्छा लगता यार, कर तो मैं भी सकता हूँ। प्लीज़ कैमरा मैन एक बार कैमरा होल्ड कर लीजिए, मैं अभी दिखाता हूँ इसको ऊपर नीचे करके, अभी देखना भाई क्या लगेगा ये ऊपर क्या लग रहा है बहुत ही बुरा लग रहा है। इसको वापस कर देते भाई कंपनी वालों ने जो डिज़ाइन करा, ठीक है। लेकिन तो भाई अभी एक बार बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी और पोर्ट्स की, तो आपको दिखा देता हूँ भाई। जैसे यार पोर्ट्स की बात तो होती रहेगी, पहले यार इसकी लुक्स देखो क्या बढ़िया लुक्स है, ज़बरदस्त क्या पियानो फिनिश है भाई, जबरदस्त मज़ा आ गया भाई साउंड बार देख के। ऐसे साउंड बार यार जो होते हैं ना थोड़े पतले से बढ़िया लगते हैं दिखने में। और ये अब बात करते हैं यार टॉपिक से भटक गया लुक के मामले में, पोर्ट्स। तो भाई ये है USB पोर्ट भाई, पीछे देख लो एक बार इसके, ऑक्स ऑप्टिकल HDMI ARC, रेड वाला है राइट साइड का, वाइट वाला है लेफ्ट साइड का सेटेलाइट, और ये है भाई SW मतलब सबवूफर की तार की। अब इससे आपको पता लग गया होगा क्या ये वायर्ड सबवूफर है, ये रही इसकी तार, तो ये तो हो गया भाई। और इसमें ब्लूटूथ मिलता है, अब आपको बाकी तो बता ही दिया और है ही क्या इसमें, तो एक काम करते हैं अब मिलते हैं साउंड टेस्ट पे। जय हिंद दोस्तों। तो गाइज आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो भाई रिमोट है इसका, रिपेयरिंग फंक्शनैलिटी बता देता हूँ भाई, ये पेयरिंग के लिए ये इनपुट है भाई, इसे जो अपने मोड चेंज कर लेना, रिसेट कर लेना अपने वूफर को, जैसा है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चल जाएगा अपना। डिस्प्ले ऑफ, देखो भाई LED ऑफ हो गई है, देखो। ओह रियली? अरे ये लोकल TV भाई इसके साथ क्यों काम कर रहा है, इस रिमोट के साथ भी काम कर रहा है। तो भाई ये छोड़, ये देखो डिस्प्ले देखो ऑन होगी इसकी, ट्रेबल प्लस सब वूफर, मतलब ये प्लस माइनस वाले हैं, ये वूफर की वॉल्यूम का है बेस का, ठीक है, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, ये प्ले पॉज के, ये इक्वलाइजर है, म्यूज़िक है, मूवी है, न्यूज़ है, स्पोर्ट्स, और ये भाई अपने सराउंड चैनल्स को कंट्रोल करने के लिए। तो एक बार फुल कर देते हैं भाई इन सबको, ये देखो भाई सब फुल कर दिया तुम्हारे भाई ने, वॉल्यूम क्या है इसकी 15 है एक। तो अब एक काम करेंगे मिलते हैं नेक्स्ट अपने म्यूज़िक राउंड पे। Let it go, roll down.
spreading all around the room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.